लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में जनाब लिपिड्स को डिस्कस किया था, और लिपिड्स के बाद अब हमारी बुक में आपके पास पेज नंबर 32 में ही न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो न्यूक्लिक एसिड की बात आपके सामने हम करते हैं, और इसमें से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पॉसिबल होते हैं। यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पे बात करें आप, तो एक 22 ईयर्स ओल्ड स्विस फिजिशियन एंड केमिस्ट, अच्छा फिजिशियन हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बहुत रेयर है, और हम आम तौर पर डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मेडिकल डॉक्टर के लिए, लेकिन एक्चुअल वो फिजिशियन होता है, ठीक है ना? हाँ, जब वो स्पेशलाइज हो जाए किसी भी फील्ड में, कार्डिक में, ब्रेन में, या आईज है, नोज, एयर्स है, तो फिर वो उसी का स्पेशलाइज्ड कहलाता है। लेकिन यूजुअली जो जनरल डॉक्टर है वो फिजिशियन होते हैं हमारे, जिनके पास सिर्फ MBBS की डिग्री हो। केमिस्ट, डेफिनेटली केमिस्ट, उसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। अब हमारी इतना नहीं है, 22 साल में वो सब कुछ पढ़ गया। तो पहले यही होता था कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो बहुत तेज़ी से क्लासेस को कवर किया करते थे, लेकिन अब रूल है कि जी 13 साल से ज़्यादा बच्चा जो है वो 9 में नहीं आ सकता, तो इसलिए ऐसा कुछ है। तो इसका नाम था फेडरिच निस्चर, ये M है यहाँ पर, MIESCH है। इसने आइसोलेट किया था कंपाउंड फ्रॉम न्यूक्ली ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स क्या होते हैं जी? पस सेल हमारे जो कभी आपने देखा हो छोटा सा किसी वजह से किसी इन्फेक्शन की वजह से एक दाना सा निकल आता और वो एप्सिस बनाता, फिर उसको आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी या तो मेडिसिन ली जाती है एंटीबायोटिक्स के तौर पर और उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है, या फिर उसको कट करके उसमें से मटेरियल वाइट सा निकाला जाता है। वो जो वाइट सा मटेरियल होता है वो पस, हम आम जुबान में उसको कहते हैं। तो वो हमारे सेल्स होते हैं जो डेड होकर ख़राब हो चुके हैं, तो उन्हें हम पस सेल कहते हैं, ठीक है? इन पस सेल पर वो काम करते हुए उसने वहाँ से कुछ कंपाउंड हासिल किए, और वो कंपाउंड प्रॉपर्टी रखते थे एसिड की। तो उसने कहा कि ये एक्चुअल न्यूक्लियाइन या न्यूक्लिक एसिड है, तो यहाँ डिस्कवरी हुई न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है जनाब? लेटर इट वॉज फाउंड द न्यूक्लिया न्यूक्लिसिन हैड एसिटिक प्रॉपर्टीज एंड इट वॉज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। सो फिर अपने उसने जब इसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया तो वो न्यूक्लिक वो एसिड की प्रॉपर्टीज थी, लिहाजा फिर उसने इसका नाम न्यूक्लियाइन की जगह पर, न्यूक्लिसाइन की जगह पर न्यूक्लिक एसिड रख दिया, ठीक है? ये कहाँ हमें कंपाउंड यूजुअली नज़र आएगा? तो इसकी लोकेशन, द न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA। जो भी लिविंग मटेरियल है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, और कोई भी एनिमल या प्लांट हो, उन तमाम में आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। और किस शक्ल में? या तो DNA या RNA की शक्ल में, विच ऑफन कंबाइंड विद न्यूक्लियर प्रोटीन इन फ्री स्टेट। अगर वो हमारे किसी साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट में मौजूद है तो मे बी पॉसिबल कि वो प्रोटीन के साथ मिलकर फ्री स्टेट में रहेगा, अदरवाइज वो DNA और RNA की फॉर्म में रहेगा, ठीक है? स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, इनकी बात हम आपसे अभी डायग्राम आएंगी आगे तो फिर मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब जिस तरह आपने कहा था प्रोटीन की यूनिट है कौन, हमारी प्रोटीन की यूनिट कौन थी भाई, कौन बोल रहा है जल्दी से बोले? हाँ जी, जवाब दीजिए जी, प्रोटीन की यूनिट क्या थी?
कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या थी और लिपिड की यूनिट क्या थी? कौन राइट कर रहा है जी, जल्दी से राइट करें। क्या बात है, हाँ जी आया जी, एक आंसर है, एक आंसर में हम देखें जी क्या है। तो जनाब हमें आंसर मिला लिपिड की यूनिट का, वेरी गुड, फैटी एसिड, बिल्कुल ठीक कहा जी। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया जी, उसका आंसर कौन दे रहा है, जल्दी से दीजिए, शाबाश, सोचिए और फटाफट दीजिए। जी जनाब एक आंसर और है, तो इसे चेक करें, आंसर किसी और ने नहीं, अगेन उन्होंने ही दिया और कहा कि प्रोटीन का अमाइनो एसिड, गुड। एक आंसर और है जी, अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट का आंसर नहीं आया जनाब, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन बता रहा, जनाब कार्बोहाइड्रेट के लिए कहा कि मोनोसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड, मोनोसैकेराइड या शुगर, तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगी। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल हम आगे भी दिखाते हैं आपको। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक प्रोटीन एंड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ चेन इज कॉल्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड। जिस तरह आपने कहा था अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे क्या, अमाइनो एसिड्स की एक चेन बना देंगे और उस चेन को आप कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, और इन जनरल वो आप कहलाएगा कि जी ये बन गई एक प्रोटीन। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमारा न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है और ऐसी कई मोनोमर, हम इसे मोनोमर भी कह सकते हैं, यूनिट है ना, तो यूनिट को मोनोमर भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग हैं एक क्लास का, एक फर्स्ट ईयर के इस वक्त जितने 18 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास, तो एक बच्चे को मैं उसका अपना इंडिविजुअल नाम लूंगा, लेकिन इन जर्नल अगर मैं पूरी क्लास की बात करूंगा तो मैं फर्स्ट ईयर पूरा कह दूंगा M1। इसी तरह हमारे यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स भी एक, और अगर बहुत सारी आपस में मिली और कंबाइन होकर उन्होंने फॉर्म कर लिया तो उसे कहेगा पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सही। न्यूक्लियोटाइड्स पोर्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ 1-deoxyribose फॉस्फेट यूनिट इन डीएनए और 1-ribose फॉस्फेट यूनिट इन आरएनए इन एडिशन विद प्यूरीन और पायरिमिडिन इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड में अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें एक राइबोस शुगर का मॉलिक्यूल है, उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच है और उसने जाकर या तो पायरिमिडिन या प्यूरिन, दो में से किसी एक के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। तो 1, 2 और 3, ये तीन केमिकल्स आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, आरएनए में हम उसे राइबोस कहते हैं, यहाँ पर डीऑक्सी, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूँ डीऑक्सी तो इट मींस कौन बोला, जल्दी से बोलिए भाई, कौन बता रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ लव्स डीऑक्सी तो इट मींस कि डीऑक्सी का मतलब क्या है, शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे कोई। आंसर दीजिए भाई, डीऑक्सी अगर बोला है तो डीऑक्सी क्या है, हाँ एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज प्यूरीन और पायरिमिडिन, ये बताते हैं, ऑक्सीजन के बगैर, वेरी गुड, ऑक्सीजन के बगैर कह लें तो अच्छा नहीं होगा, ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली राइबोस से
कम है, ये सिर्फ राइबोस है, ये डीऑक्सी राइबोस है। तो हमने राइबोस में से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, यानी नेचुरली ये निकला हुआ लेस ऑक्सीजन। जी बिल्कुल ठीक कहा, डीऑक्सी मीन्स मे बी लेस और नो ऑक्सीजन, लेस नो नहीं लेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे इसमें से राइबोस में से एक शुगर के मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन की कमी, ठीक है जनाब। थोड़ी देर के लिए पेज नंबर 33 पर बुक में हम जरा कंसंट्रेट करेंगे, आपको एक दो बातें बताएंगे, फिर अपनी स्क्रीन पर वापस आते हैं। देखिए जरा बुक का पेज 33 निकालिए। देखिए जी 33 पर आपके सामने आपके पास लिखा है पेंटोज शुगर, कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए, ठीक है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रोजन बेस ऑर्गेनिक बेस। इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आपके सामने लिखा है कि पेंटोज शुगर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोस। राइबोस है तो C5H10O5, और अगर डीऑक्सी राइबोस है तो C5H10 और O4। तो एक ऑक्सीजन लेस देन है हमारे राइबोस, क्लियर जी बेटा, नजर आ गया। अब जो बच्चे ने एक ने हमारे से प्योरीन और पायरामाइडिन की बात की थी, तो उसी के नीचे आप दो लाइन छोड़कर आपको नीचे स्ट्रक्चर बने हुए नजर आ रहे हैं प्योरीन्स और पायरामाइडिन्स, देख लिया जी। और ये प्योरीन दो टाइप की आपको नजर आ रही हैं, एडेनिन और गुआनिन, ए फॉर एडेनिन कैपिटल जी फॉर गुआनिन। ये यूज होगा फॉर्मूले में जहां भी हमारे डीएनए आरएनए में। पायरामाइडिन्स में हमारे पास साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिन, और थायमिन और यूरेसिल के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे थायमिन ब्रैकेट में इन डीएनए, तो ये डीएनए में होगा, और इसका रिप्लेस यानी टी का रिप्लेस यू यूरेसिल होगा आरएनए। तो ये हमारा यूरेसिल जो होगा वो आरएनए में होगा और थायमिन जो है वो डीएनए में होगा। फिर एक आपसे बात हमने अभी जो डीऑक्सी की, तो डेफिनेटली डीएनए में एक ऑक्सीजन कंपाउंड यानी पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम है और राइबोस है वो, तो उसमें एक शुगर और सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा। डिफरेंस की बात अभी आगे चलकर आपके सामने करेंगे तो आपको दिखा देंगे, यहाँ डिफरेंस था बस छोटा सा जो आपको क्लियर करना था। तो प्योरीन जो होती है और पायरामाइडिन जो होती है वो नाइट्रोजन बेस होती है। तो इट मीन्स कि आपने ऊपर देखा कि आपके पास पेंटोज शुगर का एक मॉलिक्यूल हो, फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, और इन चार में से, पांच का मतलब है कि इन दो में से कोई एक यानी थायमिन और यूरेसिल में से एक, तो ये कोई एक नाइट्रोजन बेस के साथ फॉर्म कर ले बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड और फिर वो पेंटोज शुगर से एक से अटैच हो जाए। तो सिंगल एक एक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो चेन बनाएगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कभी कभी आपसे डेफिनेशंस में पूछी जाती है, तो यहाँ लिख लीजिएगा इस पैराग्राफ के ऊपर ही डेफिनेशंस, ठीक है। आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो दो स्टेप पर फॉर्म होती है, कंप्लीट होती है। एट फर्स्ट स्टेप दैट नाइट्रोजन बेस कंबाइंस विद पेंटोज शुगर एट इट्स फर्स्ट कार्बन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन बेस जो है वो पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है, तो वो जिस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, वो बॉन्ड वो साइट कहलाएगी न्यूक्लियोसाइट, क्लियर है जी। क्योंकि यहां से हमारा न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड बनने की तैयारी हो रही, तो इसे हम न्यूक्लियोसाइट कहते हैं।
At the second step, the phosphoric acid combined with the fifth carbon of pentose sugar to form a nucleotide. अब nucleotide form हो जाएगी. तो तीन चीजें मिल गई. पहले कौन मिला? Pentose sugar और nitrogen base. तो जहां से वो pentose sugar के साथ मिला, फर्स्ट कार्बन कहलाया और हमने उसे नाम दिया उस कार्बन को न्यूक्लियोसाइड या उस बॉन्ड को. और फिर सेकंड स्टेप में फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से मिला, लेकिन अब वो कहाँ मिलेगा? कार्बन नंबर 5 पर. 5 कार्बन थे ना पेंटोज में, पेंटा. तो अब मिलकर उसने क्या फॉर्म कर दिया? न्यूक्लियोटाइड. तो ये न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन, न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है. ठीक है जनाब. ओके जी, वापस स्क्रीन पर हम आ जाते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन हमने आपसे क्लियर कर ली. तो अब प्यूरीन और पायरामिडिन क्लियर हो गया. बच्चों को थोड़ा सा डाउट था, दे आर द नाइट्रोजन बेस. ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर, आपको प्यूरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डबल रिंग कार्बन, दो रिंग है कार्बन के. और अगर हम पायरामिडिन्स का देखेंगे तो पायरामिडिन्स में सिर्फ सिंगल रिंग मौजूद. ठीक है, तो प्यूरीन में डबल रिंग होता कार्बन की चेन और पायरामिडिन में सिंगल रिंग होता. क्लियर जी? तो ये हमने अभी बुक से आपको डिस्कस किया, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजन बेस है. नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे आपको लेकर. पेंटोज शुगर क्या थी वो हम आपसे बुक में शेयर कर चुके हैं, दोबारा देख लीजिए. अ शुगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम कॉल्ड पेंटोज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज, राइबोस C5H10O5 एंड डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 व्हिच सर्व एज बेसिक स्केलेटन इन डीएनए और आरएनए. फास्फोरिक एसिड वो है इस फॉरिक एसिड इज कॉमन इन ऑल न्यूक्लियोटाइड. इट इज अटैच विद 5 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, 5वें कार्बन से अटैच होगा. नाइट्रोजन बेस हमारे पास हैं और नाइट्रोजन बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, डीएनए और आरएनए की, दो टाइप की हैं प्यूरीन. इट इज सिंगल स्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स एडेनिन एंड गुआनिन. ठीक है, और पायरामिडिन ये हमारा थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, यानी ये रिप्लेस कर लीजिए. ठीक है, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रक्चर है पायरामिडिन, और हमारा प्योरिन जो है वो डबल स्ट्रक्चर है. और हमारे पायरामिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन ये होती है. अब आ जाएं जी, ये देख लीजिए. पहले हम जो हमने भी स्ट्रक्चर की बात की, तो ये देख लीजिए कि ये हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ये पूरा फॉस्फोरिक एसिड है. ठीक है जनाब, ये हमारा पेंटोज शुगर है और ये हमारी कोई भी प्योरीन हो सकती है, पायरामिडिन हो सकती है. तो एक हमारा अटैचमेंट, दूसरा हमारा यहाँ से अटैच. तो इस तरह ये एक पूरी न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगी. ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप हमारे पास बेस बनती है कि हमारी न्यूक्लियोटाइड्स कैसी हैं. तो ये बहुत सिंपल भी हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी. जाहिर सी बात है, अगर होगा मोनो न्यूक्लियोटाइड, तो मोनो न्यूक्लियोटाइड आपको मालूम है कि जी मोनो मीन्स सिंगल, तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सिंपल है, छोटा सा है, सिंगल एक चेन होगी बस, जिसमें ये जैसे हमारा ये मोनो न्यूक्लियोटाइड. मोनो न्यूक्लियोटाइड आर द मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी एनर्जी एंड एग्जिट सिंगली इन द सेल. लाइक आपने देखा होगा सम हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लाइक एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो आपने देखा सेल के अंदर जितनी एनर्जी, यानी जो आपने खाना खाया, जो आपकी एनर्जी है, कुछ भी है, तो वो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसकी डाइजेशन होने के बाद वो इस फॉर्म में आएगा एटीपी, और फिर वो एटीपी फॉर्म होने के बाद सेल को प्रोड्यूस किया जाएगा, सेल को प्रोवाइड किया जाएगा. सेल फिर उसे यूज करते हुए अपने लिए उसमें से एनर्जी ले लेगा. एनर्जी किस तरह मिलेगी उसको? डेफिनेटली ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये ब्रेक
होकर यहाँ से बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, ठीक है। एटीपी इट कंसिस्ट ऑफ एडेनिन राइबोस शुगर एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन एटीपी इनटू एडीपी द फ्री एनर्जी रिलीज विच इज कंसिडरेबली लार्ज 31.81 किलो जूल पर मोल। तो ये इतनी एनर्जी हमारी फॉर्म करेगा बॉन्ड ब्रेक होने पर, फ्री एनर्जी रिलीज करेगा और एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन जाएगा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसका एक फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा तो ये एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर दिया। एनर्जी ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज टू ड्राइव एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट मैकेनिकल एनर्जी साइक्लोसिस कॉन्ट्रैक्टिलिटी सेल डिवीजन मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो ऑन। तो अब ये एनर्जी जो हमारी इस्तेमाल होती है ये सारे जितने भी हमारे सेल के फंक्शन है उनमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारी जनाब आपके सामने थी हमारा मोनोन्यूक्लियोटाइड। आगे चलते हैं जी डाई न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि डाई न्यूक्लियोटाइड में हमारा एक दो मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट नजर आ रहा है आपको। ये एक ये है बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड और ये दूसरा ये है बेस शुगर फॉस्फोर, ये आपस में अटैच हो तो डाई बन गया। व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड डाई न्यूक्लियोटाइड। फॉर सपोज एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एनएडी इट इज अ विटामिन कॉन्स्टिट्यूएंट। एनएडी इज अ को एंजाइम दैट कैरीज इलेक्ट्रॉन एंड वर्क विद डीहाइड्रोजनेस एंजाइम्स। इट रिमूव्स टू हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट both electron but only one hydrogen ion pass to NAD which reduce NADH, ठीक है। तो ये हमारे पास NADH formation आमतौर पर usually जो coenzyme के तौर पर ये electron carrier बनकर काम कर रहा होता है और वहां पर coordination कर रहा होता है dehydrogenase enzyme ASE usually enzyme के end में आ रहा होता है। तो इस एंजाइम के थ्रू ये क्या कर रहा है ये हमारे हाइड्रोजन एटम हमारे से मुराद प्लांट में ना क्योंकि वहां पर ये को एंजाइम के काम करता हमारे अंदर यानी एनिमल्स में ये विटामिन के तौर पे काम कर जो विटामिन है वो दरअसल एनएडी की शक्ल है। एनएडी की शक्ल से मुराद है डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और प्लांट्स में ये एनएडी को रिड्यूस करवाता है हाइड्रोजन के एटम्स को ब्रेक डाउन करने में दो हाइड्रोजन के एटम और फिर रिड्यूस होगा NADH फॉर्म करता, ठीक है जी। थर्ड टाइप हमारे पास है पॉली न्यूक्लियोटाइड। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स पॉली मेनी, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में अटैच हो रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप की वजह से तो उसको हम कह रहे हैं जी पॉली न्यूक्लियोटाइड। दीज आर बायोलॉजिकल macromolecules serve as depositors of genetics information and precursors to determine the path of growth and development in living organisms and control the synthesis of different biomolecules like protein. ye hamara kaun hai ye hamara sabse main compound hai polynucleotides kyunki pehla kaam iska depositors of genetics इंफॉर्मेशन हमारा डीएनए सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से शिफ्ट हुई है वो इसी ने करनी, ठीक है। प्रीकर्सर टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ ग्रोथ ये ही यानी डीएनए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कितनी होगी कहाँ तक होगी कैसी होगी। जैसे आपने देखा इंसानों में देख ले कोई जानवर या इंसान को आप देख लें कोई कद बड़ा है कोई कद छोटा है किसी का वेट अच्छा है किसी का वेट कम है तो ये सब उसके डीएनए के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। डेवलपमेंट कैसी है उसकी कंट्रोल ऑफ सिंथेसिस करेगा प्रोटीन बनाने का प्रोसेस भी वही करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था
कि हम तमाम इंसानों में 99% से ज्यादा केमिकल्स, चाहे वो प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों या कोई और कंपाउंड्स हों, वो सेम है। लेकिन प्रोटीन्स में ये खासियत है कि उसका 0.1% हमारे साथ हर इंसान का अलग अलग होगा और उसी वजह से हर इंसान एक दूसरे से डिफर हो जाता। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो आपका डीएनए वो काम करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पे हम आगे बढ़ते हैं और बुक की तरफ में भी आपको जरा एक बात दिखा दें। पेज नंबर 35 पर आप देखिए पहले, और पेज नंबर 35 पर आपके पास जनाब है पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए 35 का स्टार्ट का, और उसके बाद दो लाइंस लिखी हैं, डीएनए एंड आरएनए आर बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज़ बोथ ऑफ दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन बट द न्यूक्लियोटाइड ऑफ बोथ आर डिफरेंट इन फॉलोइंग वेज। तो यहां पर क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन यहां नोट कीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो उसमें ये चार डिफरेंस आपको लिखने होंगे और इजी है बहुत, आपने भी डिस्कस किए दो डिफरेंस, दो और आपके सामने आ जाएंगे। पहला डिफरेंस है जी वही, डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4 while RNA contain ribose C5H10O5 in their nucleotides. ठीक है, secondly DNA contain adenine guanine cytosine and thymine, जबकि whereas RNA contain adenine guanine cytosine and uracil, तो यहाँ पर change हो गया, सिर्फ thymine की जगह पर uracil आ गया, ये भी हमने आपसे वहां जिक्र किया था। थर्ड वन हमारा है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर व्हाइल आरएनए इज अ मेनली अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स, ये आपके सामने 2.11 फिगर बनी है इसी पेज पर 35 पर, तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डबल हेलिक्स ट्विस्टेड फॉर्म में, ताकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके, नेचर में इंफॉर्मेशन को छोटी सी जगह में बड़ी इंफॉर्मेशन को डाला जा सके। इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल टी, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि टी और ए और जी और सी, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ए जी के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाए या सी टी के दरमियान फॉर्म हो जाए। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है कि जनाब हमारा बॉन्ड ए और जी के दरमियान नहीं बन सकता, सी और टी के दरमियान नहीं बन सकता? सोचिए, जब तक मैं अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके पास आता हूं, और आसानी के लिए आपको पेज रेफरेंस देता हूं 33, इस पर आप देखते हुए बता सकते हैं मुझे कि वाई थायमिन डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद साइटोसिन और एडेनिन टू गुआनिन। ठीक है जनाब, ये जरा आप सॉल्व कीजिए, और जब तक मैं अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ।